बॉलीवुड के सुपरस्टार श्रीदेवी दुनिया से अलविदा हो चुकी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन शायद कम ही लोग जानते हैं कि उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो आज तक रिलीज नहीं हो पाई। इन फिल्मों के रिलीज ना होने के अलग अलग कारण हैं। आज आपको इस वीडियो में श्रीदेवी की उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रिलीज नहीं हुई और उनका कारण क्या है। फिल्म जमीन की पूरी शूटिंग नहीं हो पाई। 1988 में डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने विनोद खन्ना श्रीदेवी को लेकर फिल्म जमीन की घोषणा की थी। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट भी हो गया था, लेकिन पूरी फिल्म शूट नहीं होने के कारण ये रिलीज नहीं हो सकी। यदि ये फिल्म रिलीज होती तो श्रीदेवी की ये पहली फिल्म होती। डायरेक्टर के आर रेड्डी ने सुपरहिट फिल्म चांदनी की स्टार कास्ट यानी श्रीदेवी, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर को लेकर फिल्म गर्जना बनाना चाहते थे। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया था और शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन फिल्म की स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर के बीच प्लेमेंट को लेकर अनबन हुई और फिल्म बंद हो गई। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने 1990 में अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर फिल्म महाराजा बनाने की घोषणा की थी, लेकिन फिल्म की कास्ट को लेकर कुछ दिक्कतें हुई और फिल्म बंद हो गई। इसके बाद इसी नाम से 1998 में ये फिल्म आई, जिसमें गोविंदा और मनीषा कोइराला ने काम किया था। 1996 में एक इंटरव्यू में अनिल कपूर ने बताया था, उन्हें और श्रीदेवी को लेकर गोविंदा नाम से एक फिल्म बनने वाली थी। फिल्म के लिए दोनों ने फोटोशूट भी करवाया था, लेकिन किसी कारण से फिल्म नहीं बन पाई। इसके बाद उनकी जोड़ी को फिल्म मिस इंडिया में कास्ट किया गया था। फिल्म चांदनी के कोरियोग्राफर मनमोहन सिंह ने श्रीदेवी और सनी देओल को लेकर फिल्म तीरंदाज की घोषणा की थी। फिल्म का मुहूर्त क्लैप यश चोपड़ा ने दिया था। इन सब के बावजूद फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। न्यूज़ रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।